हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं SMP स्वागत करता हूँ आप सभी का वर्डेंट गेमिंग में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बनाया है ये एनिमल फार्म। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूँगा। और ये हमारा कैसल है, इसको हमने बनाया था एपिसोड 3 में। और ये हमारा फार्म जिसको हमने बनाया था एपिसोड 4 में। तो इन सब की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं आयरन फार्म। मैंने सोचा था कि हम पहले काव का वो क्रशर बनाएंगे, काव क्रशर बनाएंगे, बट यार फ़िलहाल मुझे आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है और उसके लिए माइनिंग करने जाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं कल ऑफ कैमरा माइनिंग कर रहा था और एक क्रीपर मेरे पास फटा और मैं लावा में गिर गया। तो हमारा पूरा आयरन आर्मर जल के, आयरन क्या बोल रहा हूँ, मैंने तब डायमंड आर्मर पहना था तो वो जल के खाक हो गया। और अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने पहना हुआ है आयरन आर्मर। तो यार उससे अच्छा मैंने सोचा कि आयरन के लिए माइनिंग करने से अच्छा आयरन फार्म ही बना ले। तो मैंने उस ये जगह चूज़ की है जो हमारे घर से बिल्कुल पीछे है। यहाँ हम 20 ब्लॉक ऊपर आयरन फार्म बनाएंगे। उसके लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ रेडी रखी हुई है। और हम सोच रहे हैं कि फिर वहाँ से विलेजर लेके आएंगे। रात को एक रात जागना पड़ेगा। एक आध ज़ोंबी चाहिए होगा, 3 विलेजर चाहिए होंगे और बाकी का सब तो मैं बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। मैं पहले 20 ब्लॉक हाइट बना लेता हूँ और उससे पहले अपने इस घोड़े को छोड़ के आता हूँ क्योंकि ये भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें पहले 20 ब्लॉक ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से स्टेयर्स ही बनाऊँगा क्योंकि फिर हमें विलेजर और उन सबको भी लेके जाना है। तो मैं पहले वो सीढ़ियाँ बना लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने ये 20 ब्लॉक ऊपर हाइट में ये एक क्या बोलते हैं बेस सा बना लिया है। तो यहाँ हम अपना आयरन फार्म बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा बड़ा फ्लोर बनाया है क्योंकि मैं कहीं गिर भी ना जाऊँ, क्योंकि बहुत बार मर चुका हूँ अब तक। तो वो जितना कम हो वो चीज़ उतना अच्छा है। तो ये हमारा फ्रेंड है, हम यहाँ तोड़ेंगे यहाँ और एक यहाँ। और अब इन जगह पे हम ग्लास भर देते हैं। फ़िलहाल ग्लास भर रहे हैं, फिर देखेंगे कुछ यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ आएगा हमारा ज़ोंबी, यहाँ विलेजर आएंगे और यहाँ भी आएगा। तो मैं थोड़ा और ये बड़ा कर देता हूँ बेस, क्योंकि थोड़ा और लंबा चाहिए होगा हमें, क्योंकि 3-3 की हाइट हाइट क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ यार, ये यहाँ क्यों रख दिया, इसको इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हमें एटलीस्ट 3 की चाहिए क्योंकि 2 ब्लॉक में बेड आएगा, 1 ब्लॉक खाली चाहिए ताकि विलेजर ज़ोंबी को देख के डर सके। तो हम ये वाला ब्लॉक भी चेंज ही कर देते हैं क्योंकि उस फिर हमें समझ में आए कि इसको हमने नहीं बदलना है। फिलहाल मैं बेसिक डिज़ाइन बना रहा हूँ, सजावट का काम हम बाद में कर लेंगे। और मैं थोड़ा बेस बड़ा कर देता हूँ। हाँ तो ये हमारा हो गया है। मैं सोच रहा था कि फ़िलहाल अभी सब ऊपर काम ग्लास का करूं और फिर नीचे स्मूथ स्टोन रख देंगे हम, तो देखने में अच्छा हो जाएगा। और तो फ़िलहाल ये भी रिमूव करके मैं ग्लास कर देता हूं, ग्लास मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए हैं। और मैंने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जो मुझे कोल की आ रही थी, तो मैं अब उसकी जगह लावा बकेट यूज़ कर रहा हूँ कोल की जगह, जिसे हो यू रहा है कि हमें ना क्या बोलते हैं, एक लावा बकेट में 100 चीज़ें स्मेल्ट होती है। तो बेसिकली हमारा कोल का कंजम्पशन उतना कम हो रहा, जिससे उतनी माइनिंग कम हुई तो चलेगा। और अब मैं सिर्फ कोल क्या बोलते हैं टॉर्चेस बनाने के लिए ही माइन करूँगा, बाकी सब स्मेल्टिंग का काम तो लावा बकेट से ही होगा। क्योंकि हम जब ये पहला दूसरा वीडियो शूट कर रहे थे तो माइनिंग माइन ढूंढने के चक्कर में हमने वहाँ एक लावा पॉट
लावा लेक ढूंढ लिया था, पॉट क्या बोल रहा हूँ, तो वहीं से मैं लावा ला रहा हूँ, क्योंकि लावा का पानी जैसा लेक नहीं बनता कि दो लावा के डाली और अनलिमिटेड लावा सोर्स, ऐसा सीन नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे लावा वहीं से लाना पड़ रहा है, और इसलिए मैं चेतक पे बैठा हुआ था। फिलहाल उसका नाम चेतक रखा है, कुछ और सूझ नहीं रहा था मुझे। तो मैं नीचे जाता हूँ, ग्लास और बाकी सामग्री लेके आता हूँ पहले, और सोच रहा हूँ इसको थोड़ा इधर से भी बड़ा करूँ, कि ज़ोंबी लेके अंदर जाना है हमें। पहले ज़ोंबी रख देंगे हम, उसके बाद विलेजर लाएंगे, क्योंकि अगर पहले विलेजर लेके आए तो भी प्रॉब्लम ही है। तो ओके, बेड भी ले लेता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? नहीं, बेड नहीं लेने हैं, क्योंकि मेरा रिस्पॉन पॉइंट फ़िलहाल ये है। हाँ तो दोस्तों, हमारा बाकी सब तो बन के रेडी है। फिलहाल मैं विलेजर्स को लेने आया, और इनके नखरे बाप रे बाप बहुत है। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, जैसे ट्रेड करने के लिए बुलाते हैं ना, तो ये नज़दीक आ जाते हैं, तो वो कर करके मैं इनको लेके जा रहा हूँ यहाँ हमारे रेल ट्रैक के पास। ट्रैक बिछा दिया है मैंने, ज़ोंबी पकड़ लिया है। अभी देखते हैं बाकी क्या होता है, ये बंदा आ नहीं रहा है। तब देखो मैं क्या क्या करना पड़ता है। भाई भाई, मेरे को पता है मैं तेरे को कैद करने वाला हूँ, बट थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखा दे भाई। और मैं ये सब करते करते ही इनको ट्रैक तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये ट्रैक पे आ गए तो फिर मैं इन पे माइनक्राफ्ट रख सकता हूँ। अरे भाई, कार्ट में बैठ जा। अबे ओ, चल उधर, चल उधर, अबे चल ले इधर। यार दोस्तों, बहुत टेंशन दे रहे ये लोग। हाँ भाई, तू चला जा, कार्ट में चला जा। ओ, वो बैठा था, वो बैठा था, वो कार्ट में बैठा था। तू बैठेगा? हाँ, ये बैठ गया, ये बैठ गया। तो अभी इसको हमें थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, फिर ये जैसे ही पावर रेल के इसमें आ जाएगा। हाँ, तो अभी ये भाग रहा है, और हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा, कि इसकी कार्ट डायरेक्ट इसके कैबिन में पड़ रही है, और वहाँ हमें थोड़े चेंजेस भी करना है। तो हम भी भागते हैं इसके साथ साथ, और ये बहुत मुश्किल से मिला है, एक्चुअली बहुत मुश्किल से मिला ये। और ये घुमा 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 गया, गया गया शायद गया, ये देखना पड़ेगा। गेम थोड़ा लैगी हो रहा है, क्योंकि मैं भागने की ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारा ज़ोंबी है, और ये अंदर क्यों नहीं गिरा है अभी तक? ओके, ओए ओए ओए, नहीं
हट यार, नीचे नहीं, हट यार। अभी इसको वापस उधर से इधर वापस लेके आना पड़ेगा, और रात भी हो रही है यार, प्रॉब्लम ही चल रही। मैं भी एक और कार्ड लगा के भागता हूँ ना, मैं क्यों शांति से बैठा हूँ। और उससे पहले तो पहुंचेंगे नहीं हम, हमारे पास कोई शॉर्टकट ही नहीं है। ये विलेजरों को ट्रांसपोर्ट करना यार सच में एक सर दर्द है। अच्छा है मैं यहाँ, हाँ भाई तू भी है। और अभी मुझे ना जल्दी से इसको वापस भेजना होगा, और हम सो जाते हैं यहाँ ही आज भी। अरे ये अपना ही बंदा था, मैं यहाँ सो गया हूँ, अभी उठ के देखते हैं वो बंदे का क्या हुआ है, क्योंकि यार वो ऊपर अटक गया था तो उसकी वजह से मैंने उसको मार के जगाया। बाकी वैसे तो मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ। ओके तुम लोग नहीं उतर सकते, मैं तो उतर सकता हूँ ना। ओके अभी इसमें है ना थोड़ा, तो हमारे दो विलेजर्स आ चुके हैं। मैं नीचे जाके बिल्डिंग ब्लॉक लेके आता हूँ, और ऐसे ही मैं तीसरा विलेजर डालने वाला हूँ। तो वो सब हम पार्ट स्किप करते हैं, जैसे मेरे तीन विलेजर हुए वैसे ये ट्रैक हटा के मैं बाकी सब के लिए आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए टाटा। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमारा तीसरा विलेजर भी आ चुका है, तो अब हमें इसके ऊपर जो करना है वो कंस्ट्रक्शन करना है। तो मैं पहले सूरज ढलने तक वो नीचे से बिल्डिंग ब्लॉक्स और वगैरह लेके आ जाता हूँ, उसके बाद हमें ऊपर का कंस्ट्रक्शन करना है, और एक दिन में शायद ख़त्म हो जाएगा वो कंस्ट्रक्शन। तो फ़िलहाल हम नीचे जाते हैं, मैंने इन लोगों को यहीं लॉक कर दिया है, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमको, क्योंकि ये लोग खुद ही खुद का देख लेते हैं, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैं बाकी सब चीज़ें वापस रख देता हूँ, खाना छोड़ के एक्स रख देते हैं, रहने देते हैं, रख देते हैं क्या, रहने देते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लेते हैं क्योंकि ये हमको बहुत लगने वाले हैं। इनका पैनल्स बनाने हैं मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ ये भी ले लो, और ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। हॉपर चाहिए होगा, ये भी चाहिए होंगे, चेस्ट भी, डोर भी, वॉल, सब काम की चीज़ें ले लेते हैं, बाकी का देखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर से नीचे आना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए रात हो रही है, तो पहले हम जल्दी से ऊपर जाके सो जाते हैं, मैं सुबह मिलता हूँ आप। हाँ तो दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है, कैसल दिखता है, फार्म दिखता है, सब दिखता है, पर अभी हमें बनाना है आयरन फार्म। तो मैं सब चीज़ें लेके आ गया हूँ, बट मुझे लग रहा है मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है वो टेम्पररी ब्लॉक्स। मैं तब तक टेम्पररी ब्लॉक लेके आता हूँ, आप वेट कीजिए। हाँ तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं, मैं अभी अपने विलेजर और ज़ोंबी केज के ऊपर हूँ। तो अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअल, जहाँ आयरन गोलम स्पॉन होंगे और बाकी सब चीज़ें होगी उन जगह का। तो पहले हमें है ना यहाँ इतना एक छोटा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसमें हम बाद में पानी डालेंगे। ऊपर भी और एक स्टेज ऊपर भी एक बनेगा, तो मैं पहले ये पूरा कवर कर लेता हूँ,
स्टोन से, फिर हम डेकोरेशन का काम बाद में शायद स्मूथ स्टोन से करेंगे, क्योंकि मुझे ये नीचे का डर्ट भी चेंज करना है। तो फिलहाल मैं ये पूरा फील कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया है, और ये तीन ब्लॉक छोड़ के अब हमें यहाँ एक स्टेप ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना है, तो वो भी हम बना लेते हैं। तो ये वाला प्लेटफॉर्म भी हो गया। अब हमें करना ये है कि हमें आजू बाजू लगानी है फेंसेस। फेंसेस हम लेके आए हैं, बहुत सारी है, हमने फार्म बनाते वक्त ज़्यादा बना ली थी, तो हम उसका फ़ायदा उठा रहे। दैट्स इट शायद। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट साइन बोर्ड ही लगा देते हैं, रिस्की क्यों लेना। डन भाई, तू जो बोले वो डन भाई। ओके, तो अब हमारा ये सब हो चुका है। हाँ, तो दोस्तों मैं वाटर बकेट लेके आ चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि पहले अगर हम यहाँ पानी डाल देते हैं और नीचे का पानी हम बाद में डालेंगे, क्योंकि हमें वहाँ काम करना है आगे, लावा डालना है। इसे डालने पर प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर बनाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो सॉल्व करने में आना पड़ेगा, वो थोड़ा गलत हो गया। और अभी जो हमारे साथ हो रहा है वही आयन गोलम के साथ भी होगा, कि वो यहाँ नहीं खड़ा रह पाएगा, क्योंकि हम देखिए खुद कितना ट्राई कर रहे हैं, मतलब मेरे को भी पता है मैंने कितनी कीज़ होल्ड की हुई है। तो वो देखिए, एक बार मैं स्लाइड होके दिखाता हूँ, वो यहाँ कहीं स्पॉन हुआ, लाइक सपोज़ यहाँ हुआ, तो ये होगा उसके साथ, और वो सरकते हुए यहाँ आ जाएगा। तो ये होने के बाद यहाँ और तीन बकेट लगेगी हमें, जो कि है होपफुली हमारे पास। तो ये बकेट्स हम यहाँ डालेंगे और वो यहाँ से गिरेगा। तो हम पहले नीचे का सब बना लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों फाइनली हमारा आयरन फार्म बन के रेडी है। तो अभी वेट है थोड़ा रात होने का, क्योंकि एक बार जैसे ही रात हो गई तो आयरन गोलम इन विलेजर्स की रक्षा करने के लिए स्पॉन होंगे। और मैं शायद बीच में ना एक खिड़की छोड़ना भूल गया हूँ, जिनसे कि ये विलेजर ज़ोंबी को देख सके, तो मैं वो भी चेंजेस कर लेता हूँ। ग्लास तो हमारे पास दो ही है, क्योंकि तो प्रॉब्लम हो सकती है शायद, तो मैं देख लूँगा, नहीं होगा तो नीचे जाके लेके आऊँगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, अभी हमारा आयरन फार्म काम कर रहा है, वो आयरन गोलम स्पॉन होके जल भी रहे हैं। तो मैं अब इसकी साज सजावट का काम शुरू कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म सारे हटाने हैं, थोड़ा आयन जमा हो जाए तो हम और थोड़े हॉपर्स बना के वो चेन पूरी नीचे तक लाके वहाँ ही अपनी चेस्ट रख देंगे, जिससे कि वो पूरी भरती रहे। फिलहाल तो आयन गोलम अच्छे से स्पॉन हो रहे हैं, मैंने देखा ये पांचवा या छठा आयन गोलम का, तो हमारे पास बहुत सारा आयन हो चुका होगा, मतलब हर एक से एक आयन इंगट गिने तो भी अब तक 6 तो हो चुके होंगे ऊपर। तो मैं तब तक जाके, ओ एक अंदर स्पॉन हो गया शायद, नहीं बाहर प्लेटफॉर्म पे हुआ, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म रिमूव करना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। तो मैं वो रिमूव करके फाइनल लुक देता हूँ आपको। हाँ, तो दोस्तों फाइनली हमारा आयरन फार्म बन के रेडी है। मैंने ये स्मूथ स्टोन लगा दिए, और यहाँ क्या हो रहा था कि ये जो फेंसेस लगा है वो जगह पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे, तो अगर वो यहाँ स्पॉन होंगे तो एक होने की वजह से दूसरा हो स्पॉन होगा नहीं। तो मैंने इन सबको फेंस से कवर कर दिया है, जिससे कि अब यहाँ स्पॉन नहीं हो रहे, वो यहीं ऊपर ही स्पॉन हो रहे हैं, और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि टोटल कितना आयन निकल रहा है, देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तीन तीन, एक गोलम आयन गोलम मरने पे तीन आयन इंगट मिलता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि अगली बार जब आप आएंगे अगली वीडियो की स्टार्टिंग में, तो ये पूरा भरा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आप फेंस गेट या कुछ डेकोरेशन कर दे आगे पीछे, तो वो करेंगे बाद में। तो
तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक देखते रहिए वर्ल्ड एंड गेमिंग। बाय बाय।